सरकारें ऐसे नहीं झुका करती और माना करती हैं, क्योंकि एक बार जब वो कोई कानून बनाती हैं, जब कोई कानून बनाती हैं तो उसको वापस लेना उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। और देखिए, हर चीज़ यहाँ नैरेटिव पर चलती है। एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि ये 56 इंच का सीना है और ये जो कह देता है उसे कभी वापस नहीं हटता है, ये एक बहुत ही दमदार प्रधानमंत्री अवतरित हुआ है। तो ऐसा एक जो छवि क्रिएट की गई थी, तो वो देख रहे हैं कि ये आंदोलन अगर इसकी मांगों को मान लिया जाए, वो जानते हैं उनको माननी पड़ेंगी, लेकिन जितने दिन तक हो सकता है अपने इस नैरेटिव को रखा जाए, वो अपने जो इसके सूट बूट की सरकार है, ये कॉरपोरेट भाइयों के लिए भी और मॉनेटरी फंड एंड IMF के लिए भी, कि नहीं हम अभी डटे हुए हैं, हम अभी समाधान कर लेंगे। वो अंदर से वो भी जानते हैं, हिले हुए हैं कि ये किसान आज उस जगह पर आ गया है कि जब अगर किसी को दीवार से सटा दो और जब उसकी ज़मीन पर बनाए, उसकी आजीविका पर बनाए, उसके जीवन के आधार पर बनाए, जिसको वो भूमि को जो खेती को जो माँ मानता है भूमि को, वो जब उस पर जब आँच आए तो वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। इसीलिए ये किसान कह रहा है कि, और ये कोई नेतृत्व की तरफ से ही नहीं, सिर्फ आज आप किसी किसान से बात करके देखो, आम किसान से बात करके देखो, उसको ये दिल में ले लिया उसने। देखते एक तो होता ना बुद्धि से, बुद्धि में अगर कोई बात जाए आप समझाओ उसको, लेकिन अगर कोई दिल में ले ले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज ये उसने अपने दिल में ले लिया। और जब कोई चीज़ आवेग बन जाए उसके लिए किसी किस्म की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। और आज ये 3 कृषि कानून और जो MSP पर फसलों की गारंटी और ये बिजली बिल के खिलाफ जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है, ये आप आंदोलन के परिणति के बारे में आप ये सोच सकते हो सर कि ये कहाँ जा रहा है? क्या ये दिन पर दिन धीमा पड़ रहा है? वही मैं पूछना चाह रहा था कि इतने दिन हो गए हैं फिलहाल, और बार बार जो है टिकैत जी कहते हैं कि आंदोलन जो है आप कम से कम अक्टूबर तक तो मान के चलिए और हो सकता है कि आगे भी चलेगा, तो आप लोग कैसे देखते हैं पूरे इसको? देखिए, इस आंदोलन को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये दिन पर दिन व्यापक होता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। इसमें ये जो किसानों ने जो आज दबे कुचले जो तमाम तबके, वो उसने CAM लाया, उसने राम मंदिर का किया, उसने 370 हटा दी, उसने तो ये नई औद्योगिक ये क्या है शिक्षा नीति ले आया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं उनको लगा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन दर्द तो सबके थे, दर्द तो पेंट अप फीलिंग जिसे हम कहते हैं, जो जमा हुआ आक्रोश तो सबका था। इस किसान आंदोलन ने एक जज्बा दे दिया और वो सारा का सारा एकजुट होते जा रहा है अब धीरे धीरे, और यही सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जैसे कि सर, ये लंबा चलने वाला कहा जा रहा है आंदोलन, बहुत ही लंबा चलने वाला है, तो किसानों पे कोई फर्क पड़ेगा? जैसे कि खाने की फैसिलिटी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए कैसे होंगी ये सारी चीजें? एक तरीके से इसको आप ऐसे लगा लीजिए कि जीवन मरण का संघर्ष के तौर पर इसको ले लिया है। और इसमें किसान की खास तौर से मैं बोलूँ, हम जैसे मध्यम वर्गीय और जो दूसरे लोग हैं वो ज़रा तकलीफ़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन किसान तो दिन रात 45 डिग्री टेम्परेचर से लेके 2 डिग्री टेम्परेचर तक, 1 डिग्री टेम्परेचर तक तो हम देख ही चुके। आपने यहाँ कितनी बारिश हुई, मैंने कितने इंटरव्यू देखे किसानों के, वो कह रहे हैं हाँ बाबा कुछ दिक्कत है आपको परेशानी, बोला कोई परेशानी नहीं, बोला ये इतनी बारिश में सारे कपड़े भीग गए हैं, क्या हो गया है, तो बोला कोई बात नहीं, हम तो ये हमारा जीवन का एक हिस्सा है, संघर्ष और तकलीफें हमारे जीवन का हिस्सा है और वो हम झेलते रहते हैं, तो हम तो 45 डिग्री में भी ऐसे ही काम करते हैं। और दो रमेश सर जी, एक सवाल कि आप कह रहे हैं कि आंदोलन जो है जितना देर होता चला जाएगा उतना व्यापक होता चला जाएगा, इस बारे में मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन जो है इतना देर चलने के बाद है तो थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, ठंडा करने की कोशिश
फूट डालने की कोशिश, कौन सा ऐसा हथियार है जो सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया है, और पता नहीं क्या क्या हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा चोट जो आई थी वो 26 जनवरी को जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी। अब ये तो जांच का विषय है, आएगा सामने कि ये स्पॉन्सर्ड था या ट्यूटर था या प्रायोजित था जो इस तरीके से कराना और किसानों को बदनाम करना। उस समय जो एक मायूसी आई थी, क्योंकि किसी भी आंदोलन को अगर आप जनता से काट सको, जनता की साइकी से काट सको, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जमीन से जड़ें कट गई, क्योंकि आंदोलन की जमीन होती है जनता। अगर ये कर सकते ये लोग जो करने की कोशिश की, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, फॉरेन फंडिंग, मतलब कौन सा नैरेटिव था जो खड़ा नहीं किया गया और इसको जनता से अलग थलग करने की कोशिश की गई। लेकिन हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि ये आंदोलन के प्रति संवेदना, इसके प्रति समर्थन, इसके साथ बल के एकाकार होना। अभी तो आप देखिएगा कि आज जो एक मजदूर जो 44 कानूनों को जो 4 कोर्ट में बदला गया है, एक चर्निंग चल रही है और इस आंदोलन ने एक भरोसा दिया है, हाँ लड़ा जा सकता है, किसी भी बड़ी से बड़ी आतंकी सत्ता का मुकाबला किया जा सकता है और ये व्यापक होता जाए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि आप लोग तो जो है किसान आंदोलन के लिए आप लोग लगातार यहाँ आते रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं बिल, उसको वापस कराना है, और साथ ही साथ जो है जो MSP की बात आप लोग कर रहे हैं बार बार कि वो करानी पड़े, उसके साथ साथ आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बाहर से जो कंपनियाँ आ रही हैं जैसे Amazon है, Flipkart है, ऐसे बहुत सारी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट आ रही हैं जिसके बाद जो है छोटे छोटे जो व्यापारी हैं काम करने वाले उन पर इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या आप लोग ऐसे सब मुद्दे भी आप लोग उठाने वाले हैं इस आंदोलन के तहत? एक चीज़ बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया, थोड़ा गहराई से विचार करिए। आज तक जितने भी आंदोलन उठे हैं वो भावनात्मक मुद्दों पर उठे हैं, चुनाव भी लड़े गए भावनात्मक मुद्दों पर उठे हैं। ये आज़ादी के इतिहास में पहली बार आर्थिक मुद्दों को लेकर ये आंदोलन उठा है, आर्थिक मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से ये जो सत्ता जो सरकार एक किस तरीके से कॉरपोरेट के लिए जीती है, कॉरपोरेट के लिए काम करती है, जनता के लिए काम नहीं करती है, आज लोगों ने ये समझ लिया है कि ये जो हमारी जो आर्थिक बदहाली है, आप इसको जुमलों से नहीं कर सकते। राम मंदिर बना दिया, बड़ी अच्छी बात, आस्था का विषय है, सब कर लेंगे उसमें, लेकिन आज वो पूछ रहा है कि भाई मेरे राम मंदिर बने, मैं इसमें बहुत मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन इससे मेरी रोटी रोजी कैसे बनेगी, मुझे रोज़गार कैसे मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, किसान को लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा, राम मंदिर बनने से कैसे होगा, 370 हटा दी, वहाँ किसके लिए हटा दी, कौन हटाई दी, वो छोड़िए, उनके जो मुद्दे थे, लेकिन आज आदमी जोड़ रहा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो मेरे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है वो, और आज पहली बार आज़ाद भारत के अंदर जीवन से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन उठा है, और यही सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सरकार जो है पूंजीवादी सरकार, वो पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीपतियों के लिए होती है, इट इज़ नॉट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन प्रशांत जी, लेकिन जब इतना सब कुछ आप कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी मांगों में ही जो मांग कर रहे हैं आप उसमें उलझ जाएं, क्योंकि तरह तरीके की आप लोग मांग यहां से डिमांड करेंगे तो जो मुद्दा है असलियत मुद्दे को ना आप लोग कहीं भटक जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, मुद्दे से भटकना इसलिए नहीं है, क्योंकि बार बार जो है केंद्र की उधर से आ रहा है जवाब कि मुद्दे से भटके में समझ में नहीं आ रहा कि क्या मांगना चाहते हैं। मैं एक बात आपको इस बारे में, एक बात आपको और आपके तमाम दर्शकों को और अपने साथियों को बता दूं कि देखिए, एक फोकस होता है किसी भी आंदोलन में, एक जैसे हम कहते हैं ना उसको कि मतलब ब्रॉडेस्ट पॉसिबल यूनिटी, वो मिनिमम जो एग्रीमेंट होता है जिसके ऊपर, और आज 3 कृषि कानूनों और MSP के ऊपर आज एक व्यापक एकता खड़ी हुई है, ये इसके फोकस में है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अगर हासिल हो गया तो फिर अरे सरकार भी तो इसीलिए डरी हुई है,
कि फिर तो लाइन लग जाएगी। ये तो अमित शाह ने 8 तारीख की मीटिंग में उनको लोगों को कहा जी, फिर तो मतलब मजदूर आ जाएंगे, फिर जो 370 की बात उठ जाएगी, फिर तो ये हो जाएगा, फिर तो वो हो जाएगा, वो भी डरे हुए हैं। और हम जानते हैं कि हमारा फोकस है जो ब्रॉडेस्ट यूनिटी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इस आंदोलन का है, वो है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है 3 काले कानून, MSP की गारंटी, बाकी जो वो सब्सिडरी हैं वो होते रहेंगे। वो जैसे यहाँ से नेतृत्व भी बोलता है कि भाई उनके ऊपर कमेटी बनती रहेगी, चलता रहेगा आंदोलन, लेकिन ये अगर हासिल हो गया तो एक रास्ता खुल जाएगा और ये नैरेटिव चला जाना चाहिए, चला जाएगा। जिसके लिए सबसे ज़्यादा सरकार डरी हुई है वो कृषि कानूनों को कल वापस ले सकती है, एक कलम के झटके में ले सकती है, लेकिन डर इसीलिए रही है कि अगर ये ले लिया तो आंदोलन के चलते लोग अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, जीत हासिल करते हैं, कर सकते हैं। ये नैरेटिव अगर खड़ा हो गया तो देश में आंदोलनों की बाढ़ आ जाएगी, इसीलिए वो डरे हुए हैं और इस तरीके के नैरेटिव खड़ा कर रहा है आंदोलन जीवी एंड कंपनी। और सर, जैसे कि प्रधानमंत्री जी भावुक हो जाते हैं और राकेश टिकैत जी भी भावुक हो जाते हैं, तो इससे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा आम जनता पे, किसानों पे, क्योंकि एक तरीके से भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। देखिए, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री की आंदोलन जीवी का नाम दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री की के बारे में आज लोगों को समझ में आ गया है कि ये झूठा है, जुमलेबाज है और ड्रामेबाज भी है। जो आदमी जब संसद में प्रवेश करता है और संविधान के ऊपर लमलेट होता है और संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, इस आदमी ने जो जो काम कहे, इस प्रधानमंत्री ने, इसकी सरकार ने जो जो कहा ठीक उसके उल्टा किया। अब देखिए, ये रेलवे निजीकरण के बारे में पीयूष गोयल 3 बार स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, रेलवे में मैंने चाय बेची है जितना मेरा है उतना, कौन इसको फील कर सकता है क्या हो रहा है, रेल बेच रहा है। जो भी काम करता है लोगों ने समझ लिया कि ये ठीक उसके उल्टा करेगा, तो इसकी भावुक अपील का कोई मतलब नहीं रहा। ये रोया गुलाम नबी को याद करके, ये है वो है, ये रोने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस रोने को और टिकैत के रोने को आप समान नहीं कर सकते। टिकैत अपने हृदय से रोया था कि अगर ये धरना उठ गया तो ये मेरे मतलब ख़ास तौर से सिख भाइयों पर कितना बड़ा आक्रमण होगा और आंदोलन पर कितना बड़ा चोट आएगी। जो गुंडे यहाँ RSS के गुंडे जब खड़े होकर यहाँ आंदोलनकारियों को पीटेंगे, वो उसने विजुलाइज कर, उसको दर्द था, ये वो अपने आवेग में रोया है, मतलब अपने हृदय से रोया है। अगर हृदय से नहीं रोता और बनावटी होता तो बेटा इतनी बड़ी अपील नहीं मान लिया। लेकिन आपने अभी एक वर्ड यूज करा सिख, उससे मैं क्या समझूं कि ये सिखों का आंदोलन है या किसानों का आंदोलन? देखिए, मैं जो बोला कि क्योंकि देखिए भावुक हुए हैं वो, यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, मजदूर भी मौजूद हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी मौजूद हैं, तो आप इसको ऐसे कैसे देख सकते हैं कि सिख के लिए? देखिए, मैंने ये नहीं कहा सिख के लिए रोए, उन्होंने कहा कि आंदोलन टूट जाएगा और इस ये सरकार जो है, जो नैरेटिव खड़ा करना चाहती है, जिस तरीके से इसने मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, तो आप जब से आंदोलन उठा है तब से देख लीजिए, आंदोलन तो पंजाब से ही शुरू हुआ, इसको नकारा नहीं जा सकता, और आंदोलन का रीढ़ पंजाब में है ये भी नहीं नकारा जा सकता, वो नेतृत्व कितना परिपक्व नेतृत्व ये भी नहीं नकारा जा सकता। इन्होंने शुरू से ही खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या नैरेटिव नहीं खड़े किए, आप शुरू से देखो। आप सिखों को टारगेट बनाना और उनको बांटना और फिर बांट के लोगों से ही लोगों को लड़वाना, अगर इसमें कामयाब हो जाता तो सिख तो पहला टारगेट होते ना, होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री एक तरीके से भावुक हो जाते हैं और यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी भावुक हो जाते हैं, तो दोनों का ही एक अलग अलग रूप है। उनका कहना है कि वो एक पॉलिटिक्स की वजह से वो भावुक हो जाते हैं ताकि उन्हें वोट बैंक अच्छा मिले, लेकिन जो टिकैत जी भावुक हुए थे वो यहाँ पर सारे किसान भाइयों के लिए, ताकि उनका मनोबल ना टूट
छूटे और उनकी जमीन कहीं पर भी ना जाए और ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं, ताकि वो साथ में खड़े रहें। और ये आंदोलन दोबारा उसके बाद जीवित हो गया और यहाँ सारे किसान मौजूद हैं, वापस आ चुके थे उसके बाद, और इसी तरीके से ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और उनका साफ कहना है जब तक ये आंदोलन, मतलब जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, चाहे ये आंदोलन कब तक चले या कितना ही लंबा क्यों ना चले। धन्यवाद।